लोग आ गए। मैं निशा आज आपको बच्चों के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। बच्चे हुए पीसेस में से ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इसमें आज हम बच्चों के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे, प्लाजो और क्रॉप टॉप। चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाजो की कटिंग करना। सबसे पहले मैं प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने छोटे छोटे ये पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ मैंने 16 इंच ली है और विड्थ इसकी है 7। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं 2 से 3 ईयर बेबी के लिए ड्रेस बना रही हूँ, तो पहले मेरे को इनको स्टिच कर लेना है इन कपड़ों को। तो मैंने इनको जोड़ लिया है, एक ये है और ये फ्रंट और बैक के लिए साइड। अब इनको ओपन साइड से इसको हमें ओपन को हमें दोनों को मिलाकर अंदर रखना है और बैक साइड को हमें बाहर रखना है। और अब हमें इन्हें 4 फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड और ये 4 फोल्ड। कमर का मेजरमेंट लेंगे जिसका मेजरमेंट है 20, तो उसका 4 हो गया है 5। और लेंथ लेंगे 6, यहाँ से हम लगाएंगे 7.5। गाइस मैंने इंचेस में मार्क लगाया है, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा काट देंगे। रेडी नाप है 21, तो हमें नीचे से 1 इंच लेना है मोड़ने के लिए और ऊपर से इलास्टिक के अकॉर्डिंग 1 इंच की भी आती है और 1.5 की भी आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऊपर के लिए मोड़ने के लिए ले सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए गाइस हम टॉप की कटिंग करेंगे। ये टॉप पार्ट है और इसके नीचे के लिए फ्रिल है, ये दो, मैं 2 फ्रिल का बना रही हूँ। आप चाहे तो 1 फ्रिल का बना सकते हैं, 3 फ्रिल का बना सकते हैं। चलिए अब हम टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने टॉप नेक के लिए मैं 4.5 का एक मार्क लगा रही हूँ। अब हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे 3.5 करेंगे। और यहाँ से हल्का सा आर्म होल के लिए कर्व देंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। चलिए गाइस अब हम प्रिंट की कटिंग करेंगे। चार पट्टियां ली है, इसकी लेंथ मैंने 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। और ये नीचे की फ्रिल के लिए है, इसकी मैंने लेंथ 15.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। और ये मैंने स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ है 7 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। चलिए गाइस अब हमने इनकी कटिंग कर ली है और अब हम इनकी स्टिचिंग करते हैं। चलिए गाइस हम प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें ये पार्ट जोड़ लेने हैं दोनों तरफ से। हमें यहाँ से भी सिलाई लगानी है।
कुछ इस तरह से बना है। चलिए अब इसको हम नीचे से मोड़ेंगे एक इंच का। तरह से रेडी कर लिया है मैंने, दोनों को जोड़ लिया है। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, इसके लिए हमें इसको 1.5 इंच का हमें इसको फोल्ड करना है जिससे इलास्टिक आ जाएगी इसमें। गाइस अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे कम से कम 1.5 इंच का, कुछ इस तरह से। चलिए हम इलास्टिक गैप छोड़ देंगे तो आप इसमें लास्ट टाइम से। चलिए गाइस अब हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। टॉप पार्ट के लिए पहले इसको मैंने फ्रिल तैयार करेंगे। पहले मैंने ये दो पट्टियां थी इनको मैंने जोड़ लिया है कुछ इस तरह से, ये टॉप की है और ये नीचे की पट्टी। अब हम इसमें छोटे छोटे से प्लेट्स देंगे कुछ इस तरह से आएगी प्लेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस टॉप पार्ट पर हम फ्रिल लगाएंगे, प्लेट्स वाला बना रही हूँ मैं इसको। चलिए गाइस पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे इस पार्ट में। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे इस साइड पे भी। इस तरह से स्टिच कर लिया है मैंने दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम इस साइड पे इसको सीधा करेंगे पहले। होल की साइड पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और आर्म होल पर लगाकर इसको स्टिच करेंगे। ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, इसको
इस पट्टी को यहाँ लगाकर इस तरह से इसको वापस फोल्ड करें। इस तरह से ये कुछ इसमें आप सिलाई लगाएंगे। गाइस हमने ये रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बैक साइड में भी इसको लगाएंगे स्ट्रिप को। गाइस ये दोनों तरफ मैंने स्ट्रिप लगा ली है और ये रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये। आई होप गाइज आपको ये मेरा ड्रेस बनाने का आइडिया बहुत पसंद आया होगा बचे हुए कपड़ों में से। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको ये ड्रेस कैसा लगा।